में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुमित हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज <coughs> उतार चढ़ाव कह सकते हैं देखने को मिला जहां पे शुरुआती गैप डाउन जो संकेत ओवरनाइट थे और उसके बाद निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी इंडेक्स ने दिखाई रिकवरी थी निफ्टी बैंक में रिकवरी थी आई में जो कि ओवरऑल इंडेक्स को रिकवरी दे रहे थे और उस रिकवरी के बाद फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई सेकेंड हाफ लास्ट आर में और फिर निचले स्तरों से वापस रिकवरी देखने को मिली तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसलिए आपको कहा जा रहा है स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी और सबसे ज्यादा आज जो की ड्राइवर थे मार्केट में वो थे आई आईटी में अर्निंग्स की शुरुआत आज शाम से होगी इनफैक्ट अर्निंग की ही शुरुआत आज शाम से होगी जिसमें आईटी में टी के नंबर्स आएंगे और बाजार अनुमान लगा रहा है कि शायद बेटर साइड पे नंबर आते दिखाई पड़े लेकिन कुछ हद तक बाजार ने ये डिस्काउंट कर लिया है आज ही तो कल शायद सेल ऑन न्यूज ना हो जाए जैसे ही आई के नंबर्स आएंगे और कहीं ख़राब आ गए तो, तो और ज्यादा बिकवाली आएगी तो टी सी एस वैसे भी अट्ठाईस के मल्टीपल पर है पच्चीस इसका दस साल का एवरेज मल्टीपल है तो बहुत दूर नहीं है अगर ख़राब नंबर आ भी गया तो पच्चीस तक ही जाएगा मैक्सिमम यानी कि वो रेंज बनेगी छब्बीस सौ पच्चीस या पच्चीस सौ अस्सी उस रेंज तक मैक्सिमम जाएगा तो उसके बाद फिर घूम जाएगा सो उस हिसाब से आप देख के चलिएगा लेकिन वो वर्स के सीनारी वाली सिचुएशन है उसके अलावा इन्फोसिस में मूव था आज डी आई के आसपास जाके बंद हुआ इन्फोसिस बाकी आई टी कंपनियों में एच सी एल टेक महिंद्रा परसिस्टेंट सभी डे आई के आसपास बंद हुए और मूव था सीमेंट में इंडिया सीमेंट के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी सेलेक्टिव फार्मा तेज़ी में था बाकी कंसोलिडेशन था बहुत ज़्यादा किसी में डैमेज नहीं था ना बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी थी थोड़ा बहुत प्रेशर था इंडिया बुल्स ग्रुप के अंदर आज बिकवाली देखने को मिली वहाँ पर तो हमेशा से ही न्यूज़ फ्लोज रहते हैं उसी का इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अलग अलग इम्पैक्ट स्टॉक्स पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था चले सवाल जो आपका सिलसिला सीधे शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है अच्छा एनी रीजन आर वी एन एल अपॉर एट परसेंट और इट्स ब्रेकआउट दास साहब इस पे आज सुबह खिलाड़ी नंबर वन शो जब मैं कर रहा था तो मेहुल चौकसी ने इसमें कॉल दी थी साइड पर और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें एक ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट आपको शायद चालीस या पैंतालीस तक के जोन्स की बात उन्होंने की थी और बाकी मतलब ये मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक है तो आप मोमेंटम मिलता रहे आपको प्रॉफिट बन रहा है थोड़ा थोड़ा आप ऊपर के लेवल से जोन पे निकलते रहिए उनका ये कहना था कि 38 के ऊपर सस्टेन कर गया 36 या 38 के जोन्स बोले थे उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप इसमें तेजी देख सकते हैं और चालीस के आसपास ले आ सकता है और वो तेजी है ही और ऑब्वियसली uh, बात है वो पूरा तो वेट करेंगे नहीं पैंतालीस तक का और पहले पैसा लेकर निकल जाएंगे मतलब उनकी कॉल पे जो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे देंगे तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी रणनीति बनाइएगा ओके okay, uh, मस गाँव है साठ एक सौ पिचासी के भाव पर भूषण साहब बहुत बढ़िया दाम पर खरीदारी है वहाँ से तीन गुना शायद तीन से भी ज़्यादा चार गुना होने वाला और चार गुना भी हो चुका होगा पाँच गुना होने वाला है तो पाँच गुना होने वाला तो बहुत आसान है पैंसठ है ना पंद्रह शेयर भेज दीजिए बाकी पचास फ्री के हैं और ज्यादा आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट भी लेना है तो एक काम करिए आप पैंतीस शेयर बेच दीजिए बीस शेयर रख लीजिए या एटलीस्ट आप हाफ एंड हाफ में अपने शेयर्स बेच सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा वो ज्यादा बेटर रहनी थी एटलीस कुछ प्रॉफिट लेकर आप निकल जाए लेकिन सारा पैसा लगाकर बने रहना ये सो फार ठीक नहीं है तो एटलीस्ट कुछ पैसा लेकर निकल जाए और बाकी पोजीशन के साथ बने रहे वो ज्यादा बेटर है ओके डी मार्ट इलाया सर अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको इस स्टॉक के लिए क्योंकि इसके नंबर्स सब हैं शायद बारह तारीख को इसके नंबर्स आने वाले हैं तो नंबर्स को देख के ही आप कोई कॉल लीजिएगा कि इतना पास आने के बाद तो अब आप नंबर ही ज़्यादा पहली प्रेफरेंस रखिएगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट अभी इन्होंने की का अपडेट दिया था वो अपडेट तो ठीक था और अच्छे नंबर्स थे उसमें लेकिन अब उसके बाद नंबर्स कैसे आते हैं कितने स्टोर का इम्पैक्ट कैसे आउटलुक क्या कमेंट्री क्या मीट ये सब चीज़ें रहेंगी ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ तो उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन क्योंकि अब आप बिल्कुल ही चार पाँच दिन पहले ही खड़े हैं नंबर से तो एटलीस्ट इतना नहीं सोचना चाहिए आपको अब आप थोड़ा समय दे दीजिए आपने नहीं लिया है तो वेट कर लीजिए अर्निंग्स के बाद कोई रिएक्शन है नीचे का तो आप एंटर कर सकते हैं आपने ले लिया है तो हम नंबर्स देखने के बाद ही कोई कॉल लीजिएगा नंबर्स के ऊपर लिया है तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इतनी छोटी अवधि के लिए ओके टाटा मोटर एक और चार शॉर्ट टर्म के लिए सर मैं माफी चाहूँगा शिव सर मैं मार्केट वो ट्रैक नहीं करता तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली टाटा मोटर्स में प्रॉब्लम नहीं है एस सच थोड़ा कंसोलिडेशन uh, मूड में है और जे एल आर के नंबर थोड़े वीक थे तो उसका इम्पैक्ट है लेकिन uh, थोड़ा सेल्स वेल्स पिकअप आएगा अभी फेस्टिवल सीजन में तो उसका इम्पैक्ट रहेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे एटलीस्ट लेकिन इनके लिए जे एल आर ज़्यादा क्रूशल है तो शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप एटलीस्ट देख सकते हैं इसको ओके okay, uh, <coughs> गारा सिंह साहब का सवाल है एच डी एफ सी बैंक टेकन एट पंद्रह सौ पंद्रह वन ईयर बैक तो सिंह साहब कोई इशू तो नहीं लग रहा मुझे इसमें एज ऑफ नाउ आप बने रह सकते हैं अगर आप और समय दे सकते हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है अभी भी देखिए ये पूरे साल को आप ये मत सोचे चलिए कि एक साल में कुछ नहीं आया तो अगले साल भी कुछ नहीं आएगा या इस साल में ज़ीरो हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने हो सकता है अपर एंड पे ख़रीदा हो आपका दाम आ गया हो वापस वन ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिया हो एक कंसोलिडेशन कंसॉलिडेशन पूरा साल निकल के अगले साल परफॉर्म करें टू वैसे भी एच बैंक एच लिमिटेड का मर्जर है तो बहुत बड़ा कॉपरेटिव डेवलपमेंट है देश की सबसे बड़ी दो फाइनेंशियल फॉर्म्स मर्ज होने जा रही हैं तो इसमें टाइम लगेगा और एक बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा ये वो कंपनियां नहीं है जिनमें आप ये सोचते हैं कि डेढ़ सौ का शेयर लिया और ये दो डेढ़ हज़ार रुपये का हो जाए ये उस तरह की कंपनी नहीं है ये उस तरह की कंपनी की जो साल में आपको 20 परसेंट पंद्रह परसेंट सत्रह परसेंट दे देंगे जो पिछले 20 साल से एटलीस्ट कर रही हैं 12 साल का डेटा तो मैंने ही पढ़ रखा है तो वो तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा वहीं चेक कर लीजिए ये कितना हर साल इन्होंने रिटर्न दिया साल दर साल दिया हुआ है बेसिक कैलेंडर ईयर पर डेटा है आप वहाँ चाहते चेक कर सकते हैं तो अगर इस तरह का रिटर्न ये दे देते आ रहे हैं तो जो बारह साल में हुआ है बहुत अ, कम ऐसे चांसेस हैं कि वो आगे ना हो तो आप आराम से बने रहिए समय दीजिए ये साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा लेकिन एटलीस्ट ये एटलीस्ट ये सीनैरियो जरूर है कि कभी नीचे जाएंगे तो वापस उतनी स्ट्रांगली पुल बैक भी करेंगे क्योंकि ये अच्छी कंपनी है उनमें बहुत मासिव फंड होल्डिंग्स होती हैं तो कोई इशू नहीं आप आराम से बने रहिए शुड आई बाय इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बजाज ग्रुप एंड लिस्टिंग डे इन फंडामेंटल इज गुड कंपनी टू बाय बा मुझे तो ये सभी जो उन्होंने बोला था कि इसमें आई में पैसा डालना चाहिए अगर अलॉट होता है तो लिस्टिंग किस भाव पर होती है कितने प्रीमियम पर होती है पता नहीं आ, किसी ने मुझे ये बात भी बोली कि बजाज ग्रुप के साथ इनका इशू चल रहा है सो फार वो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक अगर ऐसा है तो हो सकता है हो लेकिन ब्रोकरेज फिटर्निटी ये मान रही है कि एटलीस्ट आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए अब तो बंद हो चुका तो अगर वो नहीं है तो अब लिस्टिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है कितना हाथ जलाना सही है आपको आउटराइटली राइटली एक आध मौका अगर छूट भी जाए बाजार में छोड़ दीजिए ऐसा कुछ नहीं ये निकल जाए कोई और आ जाएगा क्या ही फर्क पड़ रहा है लेकिन किसी क्या पता उस दिन बहुत बुरा दिन हो बाज़ार बहुत नीचे आ रहा हो तो उसके साथ लिस्ट हुआ तो बहुत गैप डाउन पे होगा या नहीं प्रीमियम हुआ तो इसलिए अभी रुक जाइए उस समय कॉल लेना ज़्यादा बेटर होता है कि आपको क्या करना है बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है तो आप एंटर कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा प्रीमियम है तो एंटर मत करिएगा एक बहुत बेसिक आ, एटिकेट जो होती है लिस्टिंग के डेट पर वो एक मतलब मैं उसको मानता हूँ अगर आपको सही लगे तो आप भी मान सकते हैं कि जब आमतौर पर कभी लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग वाले दिन ब्लॉक होता है उसी शेयर में ब्लॉक हो लिस्टिंग के टाइम पर यानी दस बजे दस बज के एक मिनट पे दो मिनट पे और वो ब्लॉक इंक्रीजिंग टर्म में हो तो कोई भी बड़ा फंड इसका मतलब माल ले रहा है तभी उसने ब्लॉक किया है किसी एच एन आई ने किसी बड़े फंड ने किसी बड़े निवेशक ने और वो फंड अगर इंक्रीजिंग टर्म में ले रहा है यानी कि बढ़ते क्रम में वो शेयर को खरीद रहा है इसीलिए इंक्रीजिंग टर्म में उसको भाव नहीं दिख रहा है उसे माल लेने में लगा हुआ है इसीलिए वो शेयर चल रहा है लेकिन अगर उसी टाइम ब्लॉक हो रहा हो और डिक्रीजिंग टर्म में या कॉन्स्टेंट टर्म में हो रहा हो या ऊपर जाकर फिर नीचे आने में भी ब्लॉक हो रहा तो इसका मतलब कोई एग्जिट कर रहा है सो so, बहुत ही कॉशियस चीज होती है बहुत ही आ, आ, कह सकते हैं आप आ, बहुत कट टू कट इस पर काम करना होता है लेकिन ये उनके लिए होता है जो ट्रेडर होते हैं आप अपने हिसाब से इस पर रणनीति बनाइएगा उस समय पर रेणु का शुगर मंटू साहब ये बहुत पहले आपने पूछा होता मुझसे तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था अगर कोई शुगर लेना चाहते हैं तो रेणुका शुगर लीजिएगा ईआईडी आई पैरी के अलावा क्योंकि वहां पर मल्टी प्रमोटर है यह भी दाम नहीं मिलना चाहिए और दाम नहीं मिला वो चौबीस रुपए शेयर चार साठ रुपए आ गया लेकिन अब अब क्या करें अब न्यूज फ्लो ज्यादा है तो थोड़ा अवॉइड करें जब न्यूज फ्लो कम हो जाए वापस तब एंटर करिएगा क्योंकि जब न्यूज फ्लो होता है तो एग्जिट करने के टाइम ज्यादा होता है तो इसलिए अवॉइड करिए अभी के लिए एटलीस्ट थोड़ा नीचे मिल जाए तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं या कंसोलिडेशन में मिल जाए तो टी एंड इंफी रिजल्ट एंटिसिपेशन अगुन सर बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद टी में लोग लगा रहे हैं अगर नहीं आए तो शेयर टूटेगा अगर उसी दाम पर आए तो भी शेयर टूटेगा और ख़राब आगा तो बहुत भी उतना टूटेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा टी इसकी उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि ऑलरेडी चालीस परसेंट साफ हो चुका है यह हो सकता है कि उनतीस सौ का पिछला लो था अट्ठाईस सौ सत्ताईस सौ सत्तर सत्ताईस सौ साठ ये लोज बनेंगे एक शॉट में लेकिन वो इतने, इतने तेज शॉट इतने तेज हिट करके जाएंगे कि शायद चांसेस कम हो कि आपको मिले तो बहुत थिन लाइन है दो दिन में भागा बहुत है तो ये होगा इकतीस सौ से वापस हो उनतीस सौ आ जाए अट्ठाईस सौ अस्सी आ जाए लेकिन बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं सेम विद इन्फोसिस तेरह सौ साठ से चला हुआ शेयर चौदह सौ साठ आ गया है तो तेरह सौ साठ क्लियर सपोर्ट है उसको ध्यान रखिएगा और बाय बैक अगर आ गया इन्फोसिस में तो कुछ और ट्रिगर बनेगा तो ये दो तीन चीज़ें इनको आप ध्यान रखिएगा कमेंट्री क्रूशल है नंबर से तो कमेंट्री ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा नंबर्स के मुकाबले जे पी एसोसीट कुछ साल पहले लिया था इट वॉज अ मिस्टेक एंड टुक इट बाय द एडवाइस ऑफ फ्रेंड सिंह साहब आजकल तो इसमें खबर आ गई वो क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपनी बुक्स में से कुछ बेच रहे हैं बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो बीस रुपये का दाम मैंने देखा था कौन सा जेपी था ये देखा नहीं मैंने लेकिन अगर जेपी एसोसिएट का दाम बीस रुपये है और आपने नौ रुपये पर खरीदा है आपके पास से दो ढाई हज़ार शेयर आपने बोले थे या जो भी शेयर हैं आप ये कर सकते हैं आधा बेच दीजिए तो आधा फ्री का हो गया कैपिटल निकल आया आपका आधे में पढ़े रहने दीजिए जो भी फैसला आए जैसी सिचुएशन बने उसके हिसाब से उन्हें पढ़ाई ही दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आम तौर पे सिंगल डिजिट के स्टॉक को अवॉइड किया कीजिए वो सिंगल डिजिट आए हैं तो कोई वजह होगी तभी आए हैं वरना नहीं आते हम आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ नज़र बड़े एफ की बड़े म्यूचुअल फंड की बड़े डी की और बड़े एच की होती है तो उनको ज़्यादा पता है कि क्या लेना है अगर वो दाम उन्हें मिल रहा है और वो नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सोच के नहीं ले रहे होंगे क्यों एल आई सी नहीं लेता नौ रुपये का शेयर क्यों नहीं वो मल्टीपैगर देख लेता उसके अंदर क्यों आई सी आई सी पोडेंशियल एच डी लाइफ ऐसे ऐसे बड़े बड़े फंड्स ये सिंगल डिजिट के स्टॉक ले लेते हैं उनको नहीं दिखता क्या कि ये मल्टीपैगर बन सकते हैं हम ही को दिखता है खाली ऐसा नहीं होता या वो इंस्टाग्राम पे उनको वो रील नहीं आती जिनसे दो रुपये का शेयर लीजिए आठ रुपये का हो जाएगा टाइप्स सो अवॉइड so, बढ़िया कंपनी को ले पहले इकट्ठा कर लिए पोर्टफोलियो में फिर इन छोटे शेयरों में एक्सपेरिमेंट करिएगा ओके टाटा कंज्यूमर वर्सिज गोदरेज कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली मिश्रा साहब ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो टाटा कंज्यूमर का है गोदरेज कंज्यूमर का ओवरसीज़ बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ग्रुप दोनों बेटर हैं दोनों पारसी ग्रुप ही हैं ऑबवियसली लेकिन टाटा कंज्यूमर पे आप ज़्यादा बेट कर सकते हैं क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनसे ज़्यादा बेटर होगा वो नई ऐप के बाद और रिटेल स्टोर्स भी इनके पास हैं जो वो अलग अलग जगहों पर स्टार के नाम से शायद इनके रिटेल आउटलेट्स हैं जहाँ माल बेचते हैं अपना लेकिन गोदरेज के एज ऑफ अपनाव नहीं है हैविंग सेट दैट कंपनियाँ दोनों खराब नहीं है दोनों अच्छी हैं लेकिन टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली ज्यादा बेटर प्रेफरेंस है दोनों में से ग्रुप में टाटा भी तो आ रहा है ना अच्छा <coughs> दास साहब ये यतिन ने जो बात कही है सही कही है कि हाँ आ, ब्रोकरेज हाउसेज में ऐसी व्यूज आ रहे हैं कि इन्फो का ऑप्शन लीजिए लेकिन ऑप्शन है कौन सी स्ट्राइक का है ये नहीं पता आपको दूसरा आ, आपकी एपेटाइट क्या है उस पर भी नहीं पता छोटी अवधि के निवेशकों के लिए अलग ही कहानी होती है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अलग कहानी होती है टी के नंबर अच्छे आएंगे दो राय है अब यतिन को भी पता है डीलर्स को पता है तो सबको डिस्काउंटेड ही है ना अच्छे नंबर आएंगे तभी तो टी भाग गया है दो परसेंट लेकिन अगर ज़रा से नंबर इन लाइन आ गया तो ऑब्वियस ये है जो पोजीशन लॉन्ग लिखे गए वो वो वाइंड अप करेंगे जो लोगों ने एंटिसिपेट कर रखा था उसे थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो वैसे ही वो शॉर्ट करेंगे और मान लीजिए अगर अनुमान से कहीं ज़्यादा ख़राब आ गए जो नहीं हुआ मान लीजिए डीलर्स की बात गलत हो गई और नहीं आए तो तो ये बहुत बुरी तरह टूटेगा तो उस सिचुएशन में इसीलिए ऑप्शन दिया गया कि एटलीस्ट प्रीमियम वाइप आउट होगा आपकी पूरी कैपिटल साफ नहीं होगी तो इस लिहाज से आपको ऑप्शन बताया गया था लेकिन इन्फोसिस में और भी ट्रिगर हैं जो टी के अलावा है तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए और ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए कि छोटा निवेशक कौन होता है छोटा ट्रेडर कौन होता है मध्यम अवधि का बी करने वाला कौन होता है और लंबी अवधि का निवेशक कौन होता है और आपको ये अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखना ही होगा हमेशा कि आप हैं क्या ट्रेडर हैं तो ट्रेडर रहिए इंट्राडे खेलिए ख़त्म बाजार बंद आपका भी पोजिशन खत्म आप बी टी एस टी हैं दो चार दिन में पोजिशन के खत्म करिए अगर आप फंस गए तो स्टॉप लॉस खाइए निकल जाइए और तीसरा इन्वेस्टर हैं तो भूल जाइए रोज भाव मत देखिए कुछ नहीं होगा उससे सो लाइक वाइज यू हैव टू टेक अ कॉल एच एफ सी एल अवॉइड करें सर आपके तो प्रॉफिट आ रहा है उल्टा पचहत्तर रुपये पे मीनाक्षी जी आपको प्रॉफिट है पांच सौ शेयर पच्चीस रुपये पे लिए हैं सोफर पचहत्तर रुपये मैंने दाम देखा था सुबह तो बेटर है तीन गुना तो हो ही गई आपकी पोजीशन और क्या ही लेंगे इसमें से बहुत आपको रिस्क लग रहा है तो 400 शेयर निकाल दीजिए 100 शेयर छोड़ दीजिए फ्री के हूँ आपके तो एटलीस्ट कुछ कैपिटल तो निकल ही आएगा लेकिन इस कंपनी की सिचुएशन में पहले काफ़ी इशूज़ रहे हैं विद टाइम तो आप एक बार उसको भी ज़रा पढ़ लीजिए उसके बाद कॉल लीजिए ज़्यादा बेटर है लेकिन आपको मुनाफा मिल रहा है टेबल पर सामने मुनाफा अनिश्चितता है दौर है बाज़ार में तो एटलीस्ट जो मिल रहा है ले लीजिए कुछ और ले लीजिए इससे अच्छा तो टाटा कम्युनिकेशन बने रही गुजराती साहब अगर आप और लेने की अपेटाइट है और अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आप नीचे ऐड भी कर सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है थोड़ा बहुत झटका शायद एक आध और ले लें मैक्सिमम लेकिन वो आठ का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंटैक्ट है वो रिसेंट में तो नहीं टूटा आगे भी शायद नहीं टूटे तो आप एटलीस्ट उस सपोर्ट को मानकर जितना उसके करीब ले पाए पोजीशन उतना अच्छा है बाकी आप बने रहें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है समय दीजिए ये अपने आप बता देगा कि उसमें बने रहने की राय आपको मैं देता हूं हमेशा ओके औरबिंदो फार्मा ग्लेनमार्क फार्मा सर फार्मा बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री व्यू है कुछ लोग बाय बोलते हैं कुछ लोग मतलब वैल्यू वाइज बाय दिखते हैं यू एस एफ डी ए की वजह से थोड़ा कंसर्न दिखता है अगर आपका एपेटाइट बड़ा है और आप रिस्क ले सकते हैं तो एक बार को आप बने रह सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में औरबिंदो में भी और ग्लैनमार्क में भी ज़्यादा बेटर औरविंदो है दोनों में से वो जल्दी पुल बैक लेता है लेकिन हर दौर की तेज़ी इसमें बेची गई थी सो फार अब किसी फाइंडे नंबर अच्छे आ गए किसी फाइंडे यू एस एफ डी क्लीन चिट्स आने लग गई तो बात अलग होगी लेकिन वो बीच में एक दौर आता है जब इनको यूएसएफ डी बहुत परेशान करता है तो एटलीस्ट अभी तो आज के दिन दौर में तो वो भाग रहा था पूरा मल्टीनेशनल फार्मा जैसे अबर्ट भागा हुआ था आज आ, फाइजर भागा हुआ था तो वो पहली प्रेफरेंस लगते हैं हमेशा लेकिन इफ इन केस आपको लगता है तो और बिंदो दोनों में ज्यादा बेटर है मार्क और बिंदो में रिस्की बैट होंगे लेकिन इफ एपेटाइट आपका ज्यादा है तो आप एक बार को कॉल ले सकते हैं ओके एच डी बी एल सोम डिस्टलरीज अमित सर बहुत बहुत बड़ी तेजी साठ रुपये पहली बार इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था साठ रुपये का शेयर आज एक सौ तैंतीस चौंतीस पे हाई बना के नीचे लोअर सर्किट पे आ गया है तो इतना भागने के बाद दोगने से ज़्यादा होने के बाद अब थोड़ा घुसना ठीक नहीं है आप तो एंटर मत करिएगा दोबारा एक सौ दस एक सो सो के ऊपर सौ एक सो की रेंज में कहीं मिल जाए तो एक बार को देख सकते हैं लेकिन वो भी डिपेंड करता है किस सिनेरियो में नीचे आता है अर्निंग्स की वजह से आता है या एक क्वार्टर किया अदरवाइज लेकिन वैसे अर्निंग्स के लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे थे कॉन कॉल ही बहुत अच्छी थी मैंने बहुत अच्छी सुनी हुई थी वो कॉल लेकिन बेटर यही है कि अभी तो वेट कर लीजिए थोड़ा दो तीन झटके खाने लीजिए इसको ये अल्टीमेटली डेढ़ सौ पार कर जाएगा लेकिन अभी नहीं तो अभी थोड़ा सा कंसॉलीडेट करें कि बहुत बड़ी तेज़ी से दिखाइए सर्किट सर्किट चल के तो कंसॉलीडेट करने दीजिए नीचे आने दीजिए फिर कॉल लीजिएगा ज़्यादा बेटर है अभी आउट राइटली बचते हैं जाना यूनाइटेड स्पिरिट्स में जाइए वो ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट लिक्विड शेयर है फंसने के चांसेस कम है ओके okay, uh, चलिए एक सवाल और लेता हूँ इफ रिसेशन कैम हाउ मच निफ्टी विल फॉल अप्रॉक्स नो आइडिया सर नो आइडिया साफ तौर पर uh, लेकिन इतना पता है कि uh, एक आध दो साल रहेगा मैक्सिमम फिर वही पंद्रह परसेंट रिटर्न मिल ही जाएगा निफ्टी में तो पंद्रह परसेंट साल देगा ही देगा बाजार वो पिछले बीस साल से दे रहा है फिर दे देगा किसी साल पचास किसी साल जीरो पिछले साल फिफ्टी एट परसेंट था इस साल माइनस टू है एवरेज निकाल लिए पच्चीस तो ही किया अगले साल दे देगा सात आठ परसेंट या तीन चार परसेंट हो गया पंद्रह तीन साल का तो ऐसे ही निकलता है यही होगा पहले भी हुआ है आज भी हुआ कल भी यही होगा थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चलता रहेगा स्टॉक पर फोकस करिए इंडेक्स को मत देखिए आपको अच्छे स्टॉक नीचे मिल रहे हैं ऐड करते रहिए ओके लास्टली बायोकॉन शेख साहब ये थोड़ा कंसर्न तो रहा है इसमें दो सौ नब्बे एक अच्छा जोन है जहाँ पे एटलीस्ट बहुत रिस्क नहीं है कि मैंने एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था कि बारह तेरह साल के पी को देख के तो तो नब्बे ही दिख रहा था दो सौ बानवे ही दो सौ नब्बे ही ठीक लेवल दिख रहा था अभी उसके नीचे भी चला गया था बीच में लेकिन उसको होल्ड करना चाहिए उसके आसपास के जोन्स जो पिछला लो था तो दो सौ नब्बे के नीचे आप कहीं भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं सो फार तो ये लग रहा है नंबर्स को देख के इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा फिर देखते हैं लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वो दिख रहा है चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनने सवाल पूछे बहुत बहुत माफी उन सभी लोगों से जिन आज हम सवाल नहीं बात नहीं कर पाए आपसे अब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन तब तक के लिए एट द रेट सुमित्र सर्च मेरा ट्विटर हैंडल है नमस्कार